नमस्ते दोस्तों, आज वीडियो में आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और उसका रेंज बहुत ज्यादा ना हो, मतलब का रेंज लिमिटेड अगर हो, मतलब इसी कमरे में काम कर रहा है, कुछ दूर तक काम कर रहा है, तो उस रेंज को कैसे बढ़ाते हैं आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास जो ये लगा हुआ है ये एयरटेल कंपनी का जो है फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है, ये राउटर है ये, और जो ये तार आया हुआ है वो डायरेक्टली इसमें लग चुका है, इस मशीन के अंदर यहाँ लगा हुआ है, और लगने के बाद में यहाँ से जो है और आपका पूरा मतलब घर जो है इंटरनेट काम करता रहता है। अब लेकिन मेरे छत के ऊपर ना इंटरनेट काम नहीं कर रहा, छत के ऊपर जो लगा हुआ है वहां पे इंटरनेट का जो रेंज है वो काम नहीं कर पा रहा है। या तो ऑप्शन मेरे पास ये पड़ा हुआ है कि एक लैन केबल आता है, ऐसा लैन केबल आता है, और इस लैन केबल के माध्यम से, देखिए लैन केबल आता है, ये लैन केबल के माध्यम से इसमें तार लगा दूं और तार जितना लंबा दूर तक ले जाना रहेगा मुझको वहां तक लेके जाऊंगा, और फिर उसके बाद उसमें लैपटॉप में डायरेक्टली मैं इंटरनेट कनेक्ट करके नेट चला सकता हूँ। देखिए लैन केबल आता है ये, ठीक है, तो मैं पीछे या तो इसको लगा दूँ, और मतलब ये छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बड़ा लेके जो है आप इसको कर सकते हैं, ये ऑप्शन ये है। या मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे कमरे में छत के ऊपर जो जा करके वाईफाई रेंज पूरा हो जाए और वहाँ मोबाइल काम करना स्टार्ट हो जाए वो तरीके से, तो ठीक है दोस्तों, तो समझ रहे आप ना, तो रेंज इसका बढ़ाते हैं। उसके पहले आप चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या करते हैं ना, देखिए इसके अंदर हमारे इस राउटर के अंदर चार लैन पोर्ट दिए रहते हैं, ठीक है, लैन पोर्ट दिए रहते हैं, तो एक लैन पोर्ट के अंदर मैं इस तार को लगा देता हूँ। सिंपल, देखिए पहले क्या करता हूँ, इस लैन पोर्ट के अंदर यहाँ पे तार को मैं पीछे लगा देता हूँ, यहाँ पीछे दिया हुआ लैन पोर्ट यहाँ लग गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, और उसके बाद सिंपली यहाँ रहने दें इसको आकर। अब ये जो तार आ रहा है ना, ये तार आ रहा है, इस तार को मैं चाहता हूँ डायरेक्टली जाके अपने लैपटॉप में लगा दूंगा, मान लीजिए ये है, इसको लेके जाता हूँ और अपने मैं लैपटॉप में लगा दूंगा यहाँ पर, तो मेरा नेट चलना शुरू हो जाएगा, मतलब एक दो वाईफाई चल रहा था, अब मेरा डायरेक्टली जो तार तार के थ्रू जो है नेट चलना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ देख सकते हैं, अगर साइन देखेंगे तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का साइन बन के आ गया है, देखा छोटा सा ना ये, मतलब ये बता रहा है इंडिकेट करता है, अब देखिए तार लगा हुआ तो बता रहा है, अगर इनकेस मैं तार को इसको निकाल देता हूँ तो ये इंडिकेटर गायब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर दूसरा आ चुका है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तार लगाने से स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिलती है, ये ऑप्शन हो चुका है, लेकिन नहीं, अब मैं चाहता हूँ इस लैपटॉप को मैं दूसरे रूम में लेके जाऊँ और वहाँ पर भी ये काम करना स्टार्ट कर दे, तो दूसरे रूम में लेके जाऊँगा तो तार उतना लंबा होना चाहिए तभी तो काम करेगा, तार छोटा कहाँ हो पाएगा। तो अब इसके लिए ऑप्शन ये बता रहा हूँ मैं कि मैं छत पे लेके जाऊँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर जगह सेकंड फ्लोर पे जहाँ ले जाना है, तो तार जितना लंबा रहेगा तार उससे कनेक्ट होगा राउटर से, और उसके बाद क्या करना रहेगा, आपको चाहिए एक अलग से राउटर। देखिए ये पड़ा हुआ मेरे पास राउटर है, ये इसी की अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा, कैसे इसको सेट करते हैं आपको वन बाय वन बताता हूं। दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, पूरा एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं पहले, उसके पहले कुछ चीजें बेसिक जान लेते हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ ये कंपनी का नाम हो चुका, किसी कंपनी का ले लीजिए, आप डीलिंग का ले लीजिए, जो लेना ले सकते हैं। उसके देखिए पहला लिखा हुआ 300 Mbps मल्टी मोड, इसका मतलब ये हो गया 300 Mbps डेटा ट्रांसफर करेगा, इसके अंदर 150 वाला भी आता है, इसके अंदर 300 वाला भी आता है, तो ये 300 वाला है और वायरलेस राउटर है, और ये वाला जो है मर्कोसिस का है, इसका मॉडल नंबर है MW302R, इसी को मैं लगाने जा रहा हूँ अपने घर के अंदर, मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो सिंपल देखिए, इसको मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, निकालने का तरीका इसका देख लीजिए, खुलेगा कैसे खुलेगा, और उसको हम जो है यहाँ से खोलते हैं दोस्तों, इसको खोल लिया, यहाँ से फाड़ लिया, और राउटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउटर जो है ये बाहर आ चुका, तो हमारे एयरटेल वाले में दो एंटीना दिया हुआ था, यहाँ भी दो एंटीना दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना हमको, सिंपल कुछ नहीं करना, पर देख लीजिए इसके अंदर तार भी है, एक ये अडाप्टर दिया हुआ है, अडाप्टर क्या, इसको पावर देना हो जाएगा, और एक दिया हुआ लैन केबल दिया है, मतलब कुछ कॉन्फ़िगर करना होता है इसको, तो लैपटॉप से इसके बीच में कम्युनिकेशन करना रहता है, इसलिए तार दिया रहता है, ठीक है, इसको भी हम किनारे रख देते हैं, कुछ नहीं करना। हम इस वाले को सिंपल कनेक्ट करते हैं राउटर को, देखिए वन बाय वन बहुत सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो अच्छा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए इसमें लाइट नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ से इसको पावर बोर्ड लगाता हूँ, यहाँ से लगा करके, और यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये दोस्तों देखिए लाइट इसके अंदर आ गया, लाइट आ गया, ग्रीन लाइट जल रही है ना, ग्रीन लाइट जल रही है। अब कुछ नहीं करना हमको, हमको जो करना है क्या है कि अब हमारा जो ब्लू वाला ये वायर आया हुआ ना उस राउटर से, उसमें निकाल के यहाँ देखिए, यहाँ तीन पोर्ट दिए हुए हैं, पीछे तीन पोर्ट, पीछे में चार पोर्ट दिया है राउटर के अंदर, यहाँ तीन पोर्ट दिए हुए हैं,
तीन पोर्ट के अंदर जो है ये आप एक लैन, इसी पोर्ट के लिखा हुआ LAN, ये दो लैन पोर्ट लगा हुआ है और एक लिखा हुआ वैन लिखा हुआ है। तो जो आपके राउटर से अगर आएगा तो हमेशा इस तार को कहाँ लगाएंगे, वैन के अंदर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया, इसको लगा दिया, अब लग गया ये। अब ये मान ले, सपोज कर लिए मैं छत पे लेके जा रहा हूँ इसको लगाने के लिए, छत को मुझे वाईफाई करना, अब मैं यहाँ लगा दिया। रखने बाद में अब क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, इस राउटर को कन्फिगर करने के लिए आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। सिंपल, ये लग चुका है। और फिर जो तार इसके साथ मिला हुआ है, इस तार को दोबारा ले लेता हूँ मैं। देखिए तार ये दोबारा लिखा हुआ, इसको मैं ले लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, जहाँ पे लैन लिखा हो, लैन में यहाँ इसको दोनों में किसी में लगा सकते हैं, किसी में लगा सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगा दिया। अब ये जो एक तार बचा हुआ है इसको लगाना पड़ेगा आपको लैपटॉप में। ठीक है, अभी नेट नहीं चलेगा, अभी इसको कन्फिगर करना पड़ेगा। तो लैपटॉप का जो लैन पोर्ट है ना, वहाँ इसको सिंपल तरीके से लगा दीजिए। यहाँ लग गया है। अब देखिए इसमें तीन लाइट जल रहे हैं, तीन दीजिए। अब देखिए एक दो तीन चार, चार लाइट जल चुके हैं। अब पूछ रहा है कि नेटवर्क 7 डू यू वांट टू अलाउ दिस थिंग। हम इसको क्या करते हैं, सिंपल तरीके से यस कर देते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे लगा। अब ये कुछ कन्फिगर नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली तार से हमारा इसमें देखिए नेट चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ये चलना स्टार्ट हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो डिवाइस है ये क्या है, ये वाईफाई भी कनेक्ट होता है, मार्क ये इसका नाम जो दिया हुआ है। अब इसको देखिए क्लिक करते हैं, तो क्लिक कर लीजिए, गूगल पर क्लिक करेंगे। और इसका एक आईपी एड्रेस होता है, इस राउटर को कन्फिगर करने के लिए इसका आईपी एड्रेस होता है। वहाँ पर टाइप करेंगे आप 192.168.1.1। ठीक है, इसको एंट्री करेंगे ऐसे, फिर इसको फिर एंटर कर देंगे आप। ठीक है, तो ये लिख क्या रहा है G1। अब ये लिख क्या रहा है, देखिए ये एक पिच क्यों क्या गया। अब यहाँ लिख दीजिए ADMIN एडमिन, और पासवर्ड के अंदर भी ADMIN एडमिन, और उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ऊपर भी एडमिन। अब देखिए खुल के आ गया ये, अब हम पासवर्ड नहीं सेव कर रहे, हट जाइए, इसको नेवर कर दिया। अब देखिए खुल के आ गया, ये मॉडल नंबर आ रहा है, ये राउटर लग चुका है और इसके अंदर जो है लाइट जल रहा है। ठीक है, अगर चाहते हैं हमें तो तार लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या इस, अब मेरे पास दो वाईफाई हो जाएगा, एक तो इस कंपनी का वाईफाई हो जाएगा मर्कोसिस का, और दूसरा हो जाएगा हमारा एयरटेल का। तो दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, चेक करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर, देखिए यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा कहाँ आ गया, देखिए एक मर्कोसिस आ गया है, ये हमारा जो नया राउटर लगा इस कंपनी का लगा, ये आ चुका, और एयरटेल। अगर एयरटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ क्लिक कनेक्ट कर सकते हैं, ले रहे ना, देखिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर इस रूम में रहेंगे, अगर छत पर चला गया हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए टावर पूरा मिल रहा है, सिंपल मिल रहा है ना एकदम ये। तो इस तरीके से आप अपने वाईफाई को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मोबाइल में भी सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में देख लेते हैं कितने नेटवर्क आ रहे हैं। पहले हमारे एक ही नेटवर्क आता था एयरटेल करके, हमने इसको लगा दिया। तो इसको जहां हमको लगता है घर के अंदर वहां हम लगा के इसको सेट कर, सिंपल तरीके से हम जाते हैं वाईफाई के ऊपर और यहां क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें कितने नेटवर्क आ रहे हैं हमारे। अब जो मेरा नया वाला वाईफाई लगा हुआ, देखिए इसके अंदर भी आ चुका है, मर्कोसिस आ चुका है ना। अब हमें मान लीजिए ये मैं छत पर रख देता हूँ और इसको फिर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके हमें ज़्यादा अब मेरा नेट इससे यूज़ करे। देखिए अब मेरा इससे कनेक्ट हो गया, तेरा कनेक्ट हो गया ना, ऑप्टेनिंग आईपी एड्रेस, सिंपल, कितना इजी तरीके से ना। तो ये है दोस्तों, मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग प्राइस होता है। हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर ये 1000 रुपीज़ का मिलेगा, देख लीजिए। ये आपका इसकी वारंटी 3 साल की है। कंपनी नोट करना है, मर्कोसिस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर इसका दिया हुआ, टोल फ्री नंबर 1800209418। ये देखिए कोई ब्रांड प्रमोटिंग नहीं है, प्रमोशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है और सिंपल इजी टू यूज़ है और इसको कर सकते हैं। साथ में दो एंटीना दिया हुआ है, इसको एंटीना यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मर्कोसिस 300 Mbps मल्टी मोड वायरलेस राउटर, मॉडल नंबर है NW0302R। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि वीडियो बना करके मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बता दिया है कि घर में वाईफाई लगेगा वो उसके रेंज को एक्सटेंड करना है तो आपको एक और राउटर लगाना पड़ेगा, सिंपल तरीके से अगर चाहते हैं कन्फिगर करने के लिए। और ना बहुत सारे आज के डेट में राउटर आते हैं, प्लग एंड प्ले होते हैं, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आपको है प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बताइए पहले क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। सब लोग को नमस्ते दोस्तों।